जब तक आप उन लोगों की तारीख को दर्ज ना कर दें आइंदा नस्लों के लिए, तो वो तारीख बहुत जल्दी खो जाती है। 2007 में जब सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान का वजूद आया, तो उसी वक्त हमने सोचा था कि हमारा 10 साल का प्रोग्राम है कि हमें एक म्यूज़ियम खड़ा करना है पाकिस्तान में। और इस म्यूज़ियम के लिए हमने बहुत जद्दोजहद की, क्योंकि म्यूज़ियम बनाने के लिए पहले तो आपके पास आर्काइव्स होनी चाहिए, आपके पास मटीरियल्स होने चाहिए। हमने वॉलंटियर्स को ट्रेन किया कि वो जाकर लोगों की कहानियाँ रिकॉर्ड करें, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के फाउंडेशन ले की थी, जो लोग 1947 में या यहाँ रह रहे थे या यहाँ आए थे, और उन्हीं लोगों के घरों से संदूकों में जो पुरानी तस्वीरें थी वो हमने डिजिटाइज की। जो हमारी यहाँ लाइब्रेरीज हैं उनमें हमने जाकर पुराने अखबार थे उनको डिजिटाइज करना शुरू किया, और इस तरह हमारे आर्काइव बचना मीडिया नाम है।